टैग न्यूज़ ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम बैठे हुए हैं जेजे में, जेजे के मेन जुबैर भाई के, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल बिग बॉस 11 कंटेस्टेंट जुबैर खान, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, आज हमारे साथ मौजूद है। जुबैर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आलता मैं। जुबैर भाई, जैसे कि आज हम आपके पास आए हैं कि आप हमारे व्यूवर्स का बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि जुबैर भाई सोशल मीडिया से बहुत दिन से ऑफ है, गायब हो गए, जुबैर भाई दिख रहे नहीं है, जुबैर भाई कुछ मुद्दे नहीं उठा रहे, जुबैर भाई इधर से ले गए, जुबैर भाई क्या हो गया, असल में क्या है मसला, क्या है? मुद्दे इसलिए नहीं उठा रहा हूँ कि केस बहुत हो गए और जेल का मुंह देखना पड़ा। छुड़ाने के लिए कोई कॉम नहीं आती, कॉम के मुद्दे उठाओ या कुछ भी करो, ये कॉम सोई भी कॉम है और कुछ नहीं हो सकता इस कॉम का, तो मुद्दे कौन उठाएगा भाई? इनके बारे में कुछ भी बोलो, जेल जाओ, कोई छुड़ाने नहीं आएगा, तुम्हारे घर वाले ही परेशान हो गए, तो शांति। जैसा कि जुबैर भाई, आज ये जो रौनक दिख रही है, ये मैंने मेरे हिस्ट्री में पूरे साउथ मुंबई में, मुंबा देवी इलाके में, ये जो रमज़ान में जो लाइटिंग वगैरह हुई है, ये पहली बार हुई है। जुबैर भाई, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और ये किसने करवाया? ये इलेक्शन आ रहा है ना मेरे भाई, तब सब करेंगे। तो ये इसमें लोगों का कहना है कि बीजेपी ने करवाई है, कांग्रेस ने करवाई है, बीएमसी ने करवाई है, हर लोग क्रेडिट ले रहा है, तो कौन असल इसका हकदार कौन है? मोदी जी करवाए। तो जो कि ये है, बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स वगैरह, इलेक्शन नज़दीक है जुबैर भाई, बहुत सारे नवे चेहरे नज़र आ रहे हैं, और जो कि 5 साल 10 साल में जो नज़र नहीं आए नेता, वो भी नज़र आ रहे हैं। हाँ, कहना चाहिए सारे लूटी हुई सल्तनत के शहंशाह नज़र आ रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी 400 प्लस आ रहे हैं, 110%, 400 प्लस आ रही है बीजेपी भी नहीं बोलूँगा मैं, मोदी के नाम पे 400 प्लस वोट आएंगे। और जैसा कि जुबैर भाई, आप कई इफ्तार पार्टी में भी नहीं नज़र आ रहे हो, बहुत सोशल मीडिया से आप एकदम दूर दूर हो गए, जुबैर भाई इसका क्या मसला? देखिए, मैं बिल्कुल भी वैसे भी कहीं जाना फंक्शन, मेरे रिश्तेदारों के कोई फंक्शन में भी जाना पसंद नहीं करता हूँ, और ख़ास तौर से इफ्तारी सहरी ये सब चोचलों से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ। और जो हमारे मुसलमान नेता, सो कॉल्ड मुसलमान नेता, फिलिस्तीन की तो इतनी बकैती कर रहे हैं, फलाना एकेडमी, ये एकेडमी, वो एकेडमी, यही लोग दावतें खा रहे, दे रहे दावत और लगे पड़े हुए, यानी खा खा के इनकी कमर का कमरा बन चुका है। फिलिस्तीन के अंदर बच्चे जो है ना सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पर घास उबाल कर वो लोग खाना खा रहे हैं, घास का सूप बनाकर। तो हमको तो अल्लाह ने इतनी नियामतें दी है, लेकिन उसके बाद में भी ये दिखावाबाजी हो रही है, इफ्तारी की दावत, सहरी की दावत, फिर एक छिचोरी इफ्तार पार्टी होती है जिसमें लड़कियाँ आदनंगी आती है। तो हमारे कौम के कोई अकेडमी वाले, फकेडमी वाले, जो ये मौलाना मुफ्ती जो होते हैं, ये इनके खिलाफ़ कभी कुछ ना बोले हैं ना बोलेंगे, क्योंकि इनके पास से एनवलप आता है इनको, तो ये कभी गलत को गलत बोलने की नहीं। तो ये हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम गलत को कभी गलत ना बोले हैं ना बोलेंगे, और उसका कभी हम लोगों ने उसके ख़िलाफ़ हमने बोला भी नहीं है कि तमाशा हो रहा है, इस्लाम का तमाशा बना के रखो। जैसे कि बहुत से मुस्लिम नेता बहुत आगे बढ़ चढ़कर फिलिस्तीन के और गाज़ा के लिए बोल रहे हैं, और वही पार्टी, हर पार्टी में सोशल मीडिया ओपन कर रहे तो वही नज़र आ रहे हैं। हाँ, तो इफ्तार दावत मुसलमान थोड़ी छोड़ता है यार, ये रमज़ान तो इबादत का महीना है या पार्टी का महीना है? नहीं, अभी दावतों का महीना हो गया, इफ्तार पार्टी, सहरी पार्टी, ये सब कौन है? ये नेताओं के चमचे होते हैं, ये इनका एक काम होता है कि नेता को, हमारे नेता को कुछ करने के लिए दिखाना है। देखो, 500,000 लोग हमारे फंक्शन में आए हैं, तो वो तुम्हारे लिए नहीं आए, खाने के लिए आए। फोकट का खाना किसको नहीं अच्छा लगता है यार भाई, तो फोकट का खाने के लिए हमारी कौम हमेशा तैयार है भाई। मगर जो चीज़ हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में, जो कि नॉन मुस्लिम नेता, नॉन मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ और सोशल वर्कर्स लोग अवॉइड कर रहे हैं रमज़ान में इफ्तारी और सहरी पार्टी, क्योंकि गाज़ा और फिलिस्तीन में जो चल रहा है उसको देखते हुए वो लोग अवॉइड कर रहे हैं, उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा मैसेज वो लोग दे रहे हैं कम्युनिटी को, मगर कुछ लोग जो है कि वो मान ही नहीं रहे, उसके ऊपर क्या कहना है? आज की तारीख में नॉन मुस्लिम जितने भी हमारे भाई बहन हैं हिंदुस्तान में, उनमें सबसे ज़्यादा इंसानियत उन्हीं में नज़र आ रही है,
हम सिर्फ इंसानियत की अच्छाई की बातें करते हैं लेकिन अच्छाई करते नहीं हैं हम लोग कोई मुसलमान अगर तकलीफ़ में दिखेगा तो अरे छोड़ना भाई, किसी की मदद करने जाएंगे नहीं। हम खेकड़ा कौम है, हम खेकड़े हैं, किसी को ऊपर चढ़ता हुआ देखेंगे तो नीचे टांग खींचेंगे, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको टांग खींचेंगे। हमको सिर्फ दावतें खाना है, इफ्तार पार्टी करना है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं जब भी मेरा सोशल मीडिया ओपन करता हूँ फलाना एक्स MLA ये MLA MP दावतों में ही नज़र आ रहे हैं। एक वल्लाही एक भी दिन दावत, रमज़ान के जितने भी रोज़े आज तक हुए हैं एक दावत मिस नहीं हुई है। रील्स बना रहे यार, रील्स बना रहे। क्या तुम एक्टर बनने आए थे? गलती से पॉलिटिशियन बन गए। हाँ तो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन बोलो ना अपने आप को। आप कौम का रहबर क्यों बोलते हैं आपको? शेरे मिल्लत, कायदे मिल्लत, कुत्ताए मिल्लत, बिल्ली। ये इशारा किसकी तरफ है जुबैर भाई? जिस किसी की भी तरफ है, सबकी तरफ। मैं सबको बोल रहा हूँ इंक्लूडिंग मी, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद अच्छा। आप तो अवॉइड कर रहे हो ना? मैं नहीं जाता हूँ यार वैसे भी। वही तो, आप अवॉइड कर रहे हो। मेरा नेचर ही नहीं है पार्टियों में। अरे फिल्म लाइन में इतनी पार्टियाँ होती है, सब भले मैं काम करूँ नहीं करूँ इन्विटेशन आता है, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जहाँ पे सब कुछ है, फ्री है, वो वहाँ नहीं जाता हूँ मैं। तो ये इनके छिछोरों के गली मोहल्ले के नेता, इनके आके पार्टी में जाऊँ यार मैं? जैसा कि हम बॉलीवुड में घुस ही गए हैं तो बॉलीवुड रिलेटेड भी हम बात करते हैं कि सलमान खान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि दुबई में कुछ ही महीनों पहले रजत शर्मा शो में सलमान खान गए थे और वहाँ पर आपकी बात निकली थी, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह उसको ईमान की दौलत से नवाजे और अल्लाह उसको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जितने भी कार्य खैर का जो अच्छे काम है उसको बनमुट्टी करने की कोशिश करे। शोबाजी से कुछ ना, अल्लाह को जो है ना एक राय भी है, वो इखलास के साथ अगर राय भी सदका करोगे तो अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। तुम इतना पहाड़ दे दोगे बहुत पहाड़ के बराबर दिखावे के साथ, तो अल्लाह के यहाँ उसकी ज़ीरो वैल्यू है। तो दिखावा अल्लाह को पसंद नहीं है, तो दिखावे से दूर रहो। तो और जो कि जो हादसे जो हुए जुबैर भाई, आपको लेके आपके करियर को लेके बहुत ही इफेक्ट पड़ा है उस बिग बॉस के हादसे के बाद, आप उसको लेके क्या एक नज़रिया रखते हो, क्या एक थिंकिंग रखते हो? ये हमारी कौम की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम गुमराह हो चुके हैं। हम सही को सही नहीं मानते, गलत को गलत नहीं मानते, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। जब मैं मान लूँ कि मैं सही हूँ तो मैं मेरे में इम्प्रूवमेंट हो ही गई नहीं ना बॉस। तो हमारी कौम ने सोच लिया हम तो मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमसे बड़ा तुर्रम कोई नहीं है, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता बॉस, कुछ नहीं हो सकता। रोज़ी का देने वाला अल्लाह है। छोटी मोटी दुकानें यहाँ चला रहा हूँ, आपने दिखाया जीनत सिख कबाब कौरन JB, तो चल रहा है रोज़ी रोटी, घर चल रहा है, किचन चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। जैसे कि एक चीज़ हम आते हैं, जो कि जुबैर भाई ने बहुत ही फेमस मूवी लकीर का फ़कीर, जो कि आप डायरेक्ट प्रोड्यूस और लिखी भी थी भाई ने पूरा अकेला किया था, उसके बहुत ही फेमस एक्टर एजाज खान आपके बहुत ही अच्छे दोस्त थे, भाई जैसे रिलेशन थे, मगर कुछ टाइम से आपके साथ नज़र नहीं आ रहे हैं, ऐसा ये क्यों? बहुत से लोगों का सवाल है जुबैर भाई। एजाज भाई है मेरा, दोस्त नहीं बोलूँगा, भाई है मेरा, और कुछ चीज़ों में मेरे उसके ख्यालात मिलते हैं, कुछ चीज़ों में नहीं मिलते हैं, तो नज़र नहीं आ रहे। मैं 2019 में लास्ट एजाज को 2019 में मिला था, उसके बाद मैंने मिला ही नहीं उसको। हमारी सलाम दुआ होते रहती है और बातचीत होते रहती है, बट मुलाकात नहीं हुई है सच कुछ। हमें भी कुछ महीनों पहले पता चला था कि लकीर का फ़कीर Part 2 भी आ रही है, क्या ये सही है? हाँ उसके ऊपर काम चल रहा है। तो उसका मेन लीड हीरो कौन रहेगा इस बार? वो इंशाल्लाह जब सब कुछ हो जाएगा तो पता चलेगा इंशाल्लाह, आप लोगों को और मीडिया को भी, आपको भी, सबको भी बताऊँगा। तो जैसा कि आज हम साउथ मुंबई इलाके में बैठे हैं, आपकी शॉप भी साउथ मुंबई मुंबा देवी इलाके में है जुबैर भाई, लोकसभा इलेक्शन अगले महीने है, बहुत से नेता आपके पास भी आते होंगे और एरियो में जो कि नहीं दिख रहे, आप किसको, मतलब आप किसको सपोर्ट करेंगे, आप क्या जो काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, आपका क्या कहना चाहेंगे इसको? भाई मैं मोदी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर मोदी की तो यहाँ पे कुछ है नहीं। अरे 400+ आ रहा है मोदी,
मोदी आ रहा है, वो अपने दम पे 400 प्लस सीट लेके आ रहा है, और बॉस देश को ऐसे नेता की ज़रूरत है। साउथ मुंबई से अगर बीजेपी लड़ी तो किसको सपोर्ट करोगे आप? साउथ मुंबई से बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना, ये सब? क्योंकि बहुत से मिलिंद देवरा साहब भी नज़र आ रहे हैं, जो कि नहीं, बहुत दिनों से, सालों से नज़र नहीं, आज वो भी नज़र आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो उनकी पॉलिटिक्स है, उनको नज़र नहीं आ रहे थे, अब नज़र आ रहे हैं, तो शायद उनको इलेक्शन लड़ना होगा। आने वाले, हमें सूत्रों से पता चला है कि आने वाले MLA इलेक्शन में भी आप लड़ सकते हैं। अरे, मेरे घर वाले वोट नहीं देंगे मेरे को भाई, इसी गलत, मैं कुत्ता पालूंगा, बिल्ली पालूंगा, लेकिन गलत फहमी बिल्कुल नहीं पालूंगा। तो मेरे को ऐसी कोई गलत फहमी नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, MLA कॉरपोरेट, कुछ भी नहीं। आपके हिसाब से जुबैर भाई, पॉलिटिक्स में मतलब कौन सी पार्टी लोगों का जो भला कर रही है अभी तक, और जो लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे आगे वाले, जो आने वाले इलेक्शन में लोगों का काम कौन करके देगा? काम तो कोई नहीं करती, कोई पार्टी नहीं करती है, बस आम आदमी का कोई काम नहीं करती है। लेकिन पिछले 10 साल में जो भी काम हुआ है, आप पूरे इंडिया के अंदर जाके देख लो, पूरे इंडिया में 60 साल के अंदर, 65 साल के अंदर सिर्फ मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे था। ये 10 साल में हर जगह पे कनेक्टिविटी देख लो, इंडस्ट्रीज आ रही है, एप्पल आ रहा है, फिर टेस्ला आ रही है, जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स है, कंपनीज है, वो आ रही है। तो एक अचीवमेंट है, हमको खुश होना चाहिए कि भैया हमारे देश का नाम हो रहा है, हमारे देश को लोग हर जगह पे पसंद कर रहे हैं। तो 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है ही है, मगर लास्ट ईयर 5 साल में भी तो मुंबा देवी में रमज़ान था, लास्ट टाइम लाइटिंग क्यों नहीं हुई, ये साल ही क्यों हुई जब से उद्धव गठ और बीजेपी अलग हुई? अरे, अभी सबको लग रहा है कि भाई सब अपनी बोटी पे रोटी, रोटी पे बोटी खींचने के लिए पड़े हुए हैं, तो सबको अपना अपना, बोलते ना, हित नज़र आ रहा है, अपना अपना फ़ायदा, जाति मुफाद नज़र आ रहा है। तो अभी लाइटिंग भी करे है JJ में, ये पूरे अपने साउथ मुंबई में मोहम्मद अली रोड से लेके JJ तक पूरी लाइटिंग हुई है। और जैसे कि मुंबई पुलिस भी बहुत 24/7 रमज़ान में उनकी ड्यूटी डबल हो जाती है, RTO और मुंबई पुलिस जो है बहुत ड्यूटी देते हैं, आप उनको लेकर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मेरे को बहुत फ़ख्र होता है मुंबई पुलिस के ऊपर, बहुत अच्छे से काम करती है, और मुझे फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। यहाँ पर जात पात ये सब बोलने की बात है, पहले भी होता था, 60 साल पहले भी हिंदू मुसलमान सब होता था। अभी पहले सोशल मीडिया नहीं था, अभी कोई भी एक नॉर्मल कैमरा उठाया, लाइव वीडियो बनाया, डाल दिया और तमाशा बन गया, फिर वो पूरा उसके ऊपर ही खिचड़ी पकते रहती है। 60 साल पहले भी तो होता था तमाशा, मुसलमान को ये फलाना है, सब होता था। अब चूंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो सबको दिख के आता है, हर किसी को, कोई मोबाइल खोला, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो हर किसी को दिख के आता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो हर कोई अपनी राय जीरा लेके बैठा हुआ है, तो ये सब चीज़ होती रहती है। ट्रैफिक पुलिस भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं रोड पर, आप उसको लेकर एक क्या मैसेज देना चाहिए? मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत जो है ना हमारे, एक चीज़ है कि जो आजकल ट्रैफिक पुलिस ने एक नाकाबंदी लगा कर फाइन मारने का जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, रात को बाइक पे निकलना तो बोले तो एक अजाब हो गया है भाई, है ना? बाइक वाला तो डेफिनेट रुकाना ही है, आप भले फैमिली के साथ हो, आप फैमिली के साथ ही क्यों ना रुका, तेरा लाइसेंस बता, इंश्योरेंस बता, POC बता। अरे, बम फोड़ने जा रहे हम लोग, बम फोड़ने के लिए कोई आतंकवादी निकलेगा? ये तो ड्यूटी है ना जुबैर भाई। अरे भाई, ड्यूटी, हैरेसमेंट मत करो ना, आप हैरेसमेंट मत करो, दुनिया भर की ये है, फलाना है, ढिमका ये वो फलाना, तो ये सब चीज़। और एक चीज़ के पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, उनको भी आज की तारीख में हर पुलिस स्टेशन में रात में आप देख लीजिए खड़े हुए बेचारे पुलिस वाले, वो फोटो उतार रहे हैं, पार्किंग नो पार्किंग। हाँ, यहाँ पर तो बहुत हम देखे हैं कि हो रहे हैं ये, इधर हमारी दुकान के बाद सब जगह पे फाइन लगा, बेचारे खाने के लिए फैमिली के साथ कहाँ सर पे गाड़ी लेके घूमेगा आदमी, ये गवर्नमेंट का काम है, पार्किंग की जगह नहीं। ये साउथ मुंबई में हमारे जितनी भी बिल्डिंग बन रहे हैं, बड़े बड़े जो बिल्डर है, इनकी बिल्डिंगों में जाके देखो पार्किंग खाली है, तो बेसिक BMC मिली हुई है, सब मिले हुए हैं, फिर भी तो सरकार कुछ कर रही नहीं है। अरे भाई, एक मोदी जैसा है ना डंडा मारने वाला नेता चाहिए हम लोगों को।
गाय कैसी, गाय भैंस रोड पे चलती है, कभी इनका झुंड चलते हुए देखा आपने? आप कितना भी हॉर्न बजाओ ट्रक में जाके, वो नहीं हटेंगे, हेड बोले चल, उसको जब धक्का मारते हैं तो समझ में आता है कि ये मेरे लिए हॉर्न बजा रहा है। तो मोदी जो धक्का मार रहे हैं ना, यही चाहिए हमको। तो जैसा कि जुबैर भाई, हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के ज़रिए लोगों को एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? हम हिंदू मुसलमान एक है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सबको फ़ख्र होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यहाँ पे हर धर्म हर जाति का सम्मान होता है, होता हुआ आया है। ये सब ये चोचले पहले भी होते थे, लेकिन आज बहुत एग्जैजरेट करके सोशल मीडिया की वजह से दिखाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं किया जाए कि भाई हिंदू के पास एक दिल है, मुसलमान के पास दो, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास दो किडनी है, हिंदू के पास एक किडनी है, ऐसा नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इंसान हैं, और मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा मज़हब जो है ना, वो इंसानियत है। तो अगर आप में इंसानियत नहीं है तो आप अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते, आप अच्छे हिंदू नहीं बन सकते, आप अच्छे सिख नहीं बन सकते, आप अच्छे ईसाई नहीं बन सकते। तो आप इंसानियत को लेके चलिए और बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, बस यही कहूँगा। और जितने भी टैग न्यूज़ के, टैग न्यूज़ को देखने वाले हैं, मैं चाहूँगा कि टैग न्यूज़ को, अल्तमश भाई को, सबको सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जुबैर भाई ने आज बहुत टाइम बाद आज सोशल मीडिया पर खुलकर बात की, उनके लाइफ के बारे में बताया, सोसाइटी में क्या चल रहा है वो बताया, आने वाले इनके प्रोजेक्ट्स क्या है वो पता चला है। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहे, आगे की जानकारी के लिए हमारा चैनल ऐसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैग न्यूज़ ऑफिशियल, अल्तमश शेख।